नगर निगम फिरोजाबाद के ठेका कर्मचारियों के मानदेय में से पीएफ के नाम पर प्रतिमाह 1,000 रुपया कटने के विरोध में ठेका कर्मचारियों ने बुधवार से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। बुधवार को जलकल विभाग में सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया। हम आपको बता दें कि नगर निगम फिरोजाबाद में ठेका कर्मचारियों की बड़ी संख्या है, जिनके मानदेय से प्रतिमाह 1,000 रुपया काटा जा रहा है। इसके विरोध में सभी ठेका कर्मचारी लामबंद हो गए और उन्होंने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। बाद में उन्होंने जलकल विभाग में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर ठेका कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हेक्स न्यूज के लिए अमरेश राजपूत की रिपोर्ट। ये हड़ताल की आंदोलन भूखे हैं हमारे ठेका के सफाई कर्मचारी, पेट नहीं भर रहा इनका, क्योंकि 6,263 रुपये में ये लोग अपना पेट भरें के दवा दारू कराएं पर अपने परिवार में के बच्चों को पढ़ाएं के और समस्याएं बहुत सी हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार ऊपर है, इसमें बहुत सा खर्चा होता है, लेकिन हम बराबर कई महीनों से मांग करते चले आ रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए और हमारे जो शारीरिक उपकरण हैं वो दिए जाएं। इससे पहले कई सीवर में गिर के कई कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है, फिर भी ये नगर निगम प्रशासन चेता नहीं है। हमने जो 4 जून को जो विज्ञापन दिया था उसमें चेताया था, लेकिन यहाँ के जो बैठक में कोई सुनने को राजी नहीं है। अब ये लड़ाई आर पार की होगी, या तो ये बढ़ा हुआ वेतन देंगे और जो हमने जो उपकरण की मांग की है वो उपकरण देंगे हमारे कर्मचारियों को, तभी इसका समाधान होगा। उससे पहले कोई मतलब ही नहीं समाधान होने का। धन्यवाद। आज का जो भूख हड़ताल कर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य ये है कि ठेका कर्मचारियों के साथ यहाँ पर एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो निगम हो चाहे निगम के अधिकारियों, उनके द्वारा बहुत ही इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है कि जिस तरीके से ठेका कर्मचारी है ही नहीं नगर में। उसका हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने 4 जून को एक ज्ञापन दिया था नगर आयुक्त महोदय, जिसमें हम लोगों ने 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया था, जिसमें कर्मचारियों की मानदेय बढ़ाने की, EPF लाख कटवाने की और वर्दी आई कार्ड स्पष्टीकरण ये बनवाने की, लेकिन उस पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। हम लोगों लिखित में वार्ता हुई, उस पर भी हमें आश्वासन दिया गया था कि हम लोग बोर्ड मीटिंग में आपका प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन उसमें भी कर्मचारी साथ छल और कपट किया गया, कोई नहीं रखा गया, वहाँ पर बात ही नहीं रखी गई। तो इसलिए हम लोगों ने शनिवार को एक अल्टीमेटम लगाया था कि बात करते हैं, अगर नगर निगम के अधिकारियों को या मेयर साहिबा को फिरोजाबाद की जनता की थोड़ी सी भी अगर चिंता होती तो हम लोगों से वार्ता करने के लिए तैयार होते, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो उसी के चलते आज हम लोगों ने यहाँ पर काम बंद हड़ताल करने के बाद आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन। अशोक वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का महामंत्री, और हमारी यूनियन जो है उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ 48-47 स्टेशन है, हमारी यूनियन चल रही है यहाँ पर। अभी मेरे संज्ञान में ऐसा है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में 10,500 रुपये सफाई कर्मचारियों के नहीं हुए हैं, और जब गवर्नमेंट से शासन से जियो जारी होगा तो वो तो सभी जगह होगा, फिरोजाबाद कोई उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है। ऐसे ही लोगों ने जो आज जो हड़ताल की है वो 10,500 रुपये को लेकर की है इन्होंने, मगर जो यूनियन है सही मायने में जो उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की यूनियन है यहाँ पर, उसको किसी प्रकार से मालूम नहीं है, और उन्होंने किसी को संज्ञान में नहीं लिया है, उन्होंने अपनी ही तरफ से ये हड़ताल की है। इनका कहना है कि और जिलों में भी वेतन बढ़ चुका है। नहीं, अभी हमने आगरा से भी पता लगाया, सभी जगह पता लगाया, 10,500 रुपये नहीं हुए, कहीं नहीं हुए हैं। जियो जारी होगा उत्तर प्रदेश में सभी जगह होगा, सभी जगह होंगे, एक जैसा समान वेतन होगा, मगर फिरोजाबाद को यूपी से अलग नहीं है, फिरोजाबाद तो यूपी में ही सम्मिलित है, और सब जगह होंगे, यहाँ भी होंगे। अगर सब जगह हो जाते तो हड़ताल हमारी जाएगी कि भाई सब जगह मिल रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं मिल रहे। आपका कहना है तो ये हड़ताल ना जाए। हाँ, गलत है।